कोरोना की दो नई इकसाम सामने आ गई। जनूबी अफ्रीकी और ब्राजीली इकसाम का इंकशाफ, वजारत नेशनल हेल्थ ने इसकी तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि वायरस का इंकशाफ दौरान टेस्ट हुआ। सिंध की वजीर सेहत कहती हैं कि वायरस की इन इकसाम पर वैक्सीन का भी कोई खास असर नहीं। वैक्सीन लगने के बावजूद जनूबी अफ्रीकी और ब्राजीली वायरस के फैलाव से लोग ज्यादा बीमार हो सकते हैं। इन इकसाम से मौत की शरह भी बढ़ गई है। लोग एहतियात करें, इस बार ईद की शॉपिंग नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भारत में कोरोना ने तबाही मचा दी। एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से जायद केसेज रिपोर्ट, 3,522 अमवात रिकॉर्ड। अमरीकी सदर जो बाइडन का भारत पर सफरी पाबंदियां आयद करने का फैसला। सदर बाइडन ने भारत के खिलाफ सफरी नामे पर दस्तखत कर दिए। पाबंदी का आगाज 4 मई से होगा। भारत से अमरीका आने वाली तमाम परवाजों पर पाबंदी होगी। अमरीकी शहरियों को 4 मई तक आने की इजाजत होगी। शेर का शिकार आसान नहीं रहा, मरीम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। नून लीग हार तब तस्लीम करेगी जब इसे हराया जाए। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए, इनकी दास्तान सामने आने वाली है। मरीम नवाज ने कहा, इलेक्शन में शिकस्त अवाम के फैसले से होगी तो सर तस्लीम खम होगा, मगर बक्सा चोरी धांधली से हुए हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। NA 249 के इंतखाबी नतीजे में पीपल्स पार्टी और नून लीग में टेंशन बढ़ा दी। बिलावल कहते हैं कि धांधली के सबूत हैं तो सामने लाओ, वरना खामोश हो जाओ। मान लें कि आप हार चुके हैं, पाकिस्तान की तारीख उठा कर देख लें, किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की, कौन सी जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है, क्या अब वो हमें लेक्चर देंगे। इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, बोले डस्का टू डस्का का शोर मचाने वाले बगाएंग। कराची में कहा, डस्का की तरह फायरिंग हुई, कराची में धुन थी, पुलिस ऑफिसर गायब हुए। शाहिद खकान अब्बासी आरओ ऑफिस में मौजूद थे और अपनी शिकस्त देख रहे थे। कल कुछ जमातों को अपना रास्ता चुनना होगा। PDM में शामिल बाज़ जमातें इमरान खान को हटाना नहीं चाहती। हम पहले सिलेक्टेड और दूसरे सिलेक्टेड से लड़ने को तैयार हैं। दादू रईस के नाल में 4 बच्चे डूबकर जहां भाग, मरने वाले बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। गोताखोरों ने चारों की लाशें निकाल ली।